अभी केरल में एक जिहादी संगठन ने खुलेआम धमकी दिया है कि मार के हम मंदिरों के सामने लटका देंगे। देखे होंगे आप लोगों ने, वीडियो बहुत शेयर हुआ है और हमारे देश में ऐसा घटना रोज हो रहा है और ये घटना सामान्य है हमारे देश में। और अगर ऐसा घटना होता है तो उसको वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाता है और ट्विटर में ट्रेंडिंग होगा, बहुत नेताओं का बयान आ जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जानते हैं एक चीज़ नहीं होगा, उसको सजा नहीं होगा। जिन लोगों ने कश्मीर में आग लगाया उन लोगों को सजा हुई या बिट्टा कराटे को सजा हुई या यासिन मलिक को सजा हुई? जिन लोगों ने बंगाल में आग लगाया उन लोगों को सजा हुई? जिन लोगों ने केरल में अत्याचार किया उन लोगों को सजा हुई? जिन लोगों ने गोवा में अत्याचार किया उन लोगों को सजा हुई क्या? जिन लोगों ने आसाम में अत्याचार किया उन लोगों को सजा हुई? जिन लोगों ने दिल्ली में इतने सिखों को मारा था उन लोगों को सजा हुई? आखिर हमारे प्रधानमंत्री मेहनती ईमानदार है, राष्ट्रपति मेहनती ईमानदार है, चीफ जस्टिस इंडिया मेहनती ईमानदार है, फिर सजा हो क्यों नहीं रहा? सजा इसीलिए नहीं हो रहा है कि भारत कानून से चलता है ना कि लोगों से चलता है, देश व्यक्ति से नहीं चलता है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से नहीं चलता है, किससे चलता है? भारत कानून से चलता है। कानून घटिया है और कानून घटिया है इसीलिए अनंतनाग में जिन लोगों ने हत्या किया उन लोगों को सजा नहीं हुई और डोडा में जिसने हत्या किया उसको सजा नहीं हुई और जम्मू में इतना नरसंहार हुआ उसको सजा नहीं हुई और संग्रामपुर में जिन्होंने नरसंहार किया उसको सजा नहीं हुई और उधमपुर का नरसंहार वालों को सजा नहीं हुई। और एक बात गारंटी के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि मणिपुर में जो इतना नरसंहार हुआ उसको सजा नहीं होगा और केरल में जिन्होंने धमकी दिया है उसको भी सजा नहीं होगा। और अभी दो तीन दिन पहले ही एक जियादी वाला घटना हुआ, टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया, ट्विटर में ट्रेंडिंग हो गया, नेताओं का बयान आ गया और वीडियो शेयर हो गया, लेकिन सजा किसी को नहीं होगा। जानते हैं क्यों? अभिजीत का हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुआ, अंकित सक्सेना का हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुई, अंकित शर्मा का हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई, अभिजीत सरकार का हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुई, अविनाश का हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुई और बादल मारा गया, बंधु प्रकाश मारा गया, भरत यादव मारा गया, भवेश कोहली मारा गया, चंदन गुप्ता मारा गया, ध्रुव त्यागी मारा गया, दिलवर न्यागी मारा गया, डॉक्टर नारंग मारा गया, किसी का हत्यारों को सजा हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे कानून घटिया है। हमारे देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ईमानदार मेहनती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ईमानदार मेहनती है, जस्टिस चंचोर बहुत ईमानदार मेहनती है, लेकिन अपराध कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सजा नहीं हो रहा। और इस देश का कानून घटिया है, नार्को पॉलीग्राफ बेन वेपिन कानून नहीं है, 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1860 का इंडियन पिनल कोड चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट चल रहा है और पुलिस जुडिशल यूनिफॉर्म लागू नहीं है, इसीलिए केवल तारीख पर तारीख मिलता जा रहा है और पुलिस चार्टर लागू नहीं है। तीन तीन साल तक, पाँच पाँच साल तक, दस दस साल तक जाँच होती रहती है क्योंकि पुलिस जुडिशल चार्टर लागू नहीं है। कानून घटिया है इसीलिए गंगाराम का हत्यारों को सजा नहीं हुई, हरसा का हत्यारों को सजा नहीं हुई, हेना तलरेजा का हत्यारों को सजा नहीं हुई, हीरा का हत्यारों को सजा नहीं हुई, जीतू मोहन का हत्यारों को सजा नहीं हुई, जस्टिस नीलकांत जीतू जो जज थे जिसको आतंकवादियों ने कश्मीर में मारा था, जब जज का हत्यारों को सजा नहीं मिल रहा है तो बाकी आम जनता का क्या ही औकात है। और पालघर में याद होगा ना, पालघर में कितने साधुओं को मारा गया था, क्या उनको सजा हुई? नहीं हुई। कमलेश तिवारी को लखनऊ में मारा था, जो गले रेत के मारा था, क्या कमलेश तिवारी का हत्यारों को सजा मिली? नहीं मिली। कन्हैया लाल जो उदयपुर का रहने वाला था, वो कपड़ा सियाने वाला, उसका गला को रेत दिया गया, क्या उसका हत्यारों को सजा हुई? नहीं हुई। हेतराम रखेल का हत्यारों को सजा नहीं हुई, कृष्णा फरवाद का हत्यारों को सजा नहीं हुई, महक का हत्यारों को सजा नहीं हुई, नीलेश का हत्यारों को सजा नहीं हुई, निकिता तोमर का हत्यारों को सजा हुई है लेकिन हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, नीलेश का हत्यारों को सजा नहीं हुई, परेश का हत्यारों को सजा नहीं हुई, प्रशांत पुजारी का हत्यारों को सजा नहीं हुई, प्रीति माथुर का हत्यारों को सजा नहीं हुई, प्रियंका रेड्डी का हत्यारों को सजा नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पार्टी बदल रहा है, पार्टियों का नाम बदल रहा है, नारा बदल रहा है, पार्टियों का गठबंधन का नाम बदल रहा है, तो पार्टियों का गठबंधन सरकार बन रहा है, आजकल तो एक नया नाम बन गया है गठबंधन सरकार का, इंडिया, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है? घटिया कानून नहीं बदल रहा है, पुलिस रिफॉर्म नहीं हो रहा है, जुडिशल रिफॉर्म नहीं हो रहा है और इसीलिए अपराध बढ़ रहा है और जो अपराध कर रहा है उसको सजा नहीं होता है।
और इसीलिए रांची जाटों का हथियारों को सजाने हुई, राजू का हथियारों को सजाने हुई, रामलिंगम का हथियारों को सजाने हुई, रतन लाल का हथियारों को सजाने हुई, रविंदर कुमार का हथियारों को सजाने हुई, रिंकू शर्मा का हथियारों को सजाने हुई, रिया गौतम का हथियारों को सजाने हुई, रुद्रेश का हथियारों को सजाने हुई, रूपेश पांडे का हथियारों को सजाने हुई, शंभू मैती का हथियारों को सजाने हुई। क्योंकि डॉक्टर बदल रहे हैं लेकिन दवा नहीं बदल रहे, और बीमारी जो कि ठीक होता है दवा से, तो अगर सिंगापुर में अपराध नहीं हो रहा है, चीन में अपराध नहीं हो रहा है, उत्तर कोरिया में अपराध नहीं हो रहा है, कनाडा में अपराध नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अच्छे हैं? अच्छे नहीं है, अच्छे अच्छे भाषण नहीं देता है, लेकिन वहाँ का कानून अच्छा है। दुर्भाग्यवश हम लोग भारत में रहकर ट्विटर में ट्रेंडिंग में रखते हैं, तो फेसबुक में शेयर करते हैं, तो ट्विटर में लिखते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन कभी पुलिस चार्टर लागू करने का मांग नहीं करते हैं, जुडिशल चार्टर लागू का मांग नहीं करते हैं, एक कठोर कानून का मांग नहीं करते हैं। कानून घटिया है, इसीलिए अपराध बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए सावन राठौर का हत्यारों को सजा नहीं हुई, शिवम गिरी का हत्यारों को सजा नहीं हुई, सुशील गिरी का हत्यारों को सजा नहीं हुई, तिलक लाल टकलू जो 1990 में मारे गए थे कश्मीर में, उसका हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुई, ट्विंकल शर्मा का हत्यारों को सजा नहीं हुई, उमेश कोले का हत्यारों को सजा नहीं हुई। उमेश कोले याद होगा ना आपको, अमरावती में जो दो दोस्त मिलकर उसको मारा था, क्या उन लोगों का सजा हुई? अभी तक नहीं हुई। विदु जैन का हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुई, विकास यादव का हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुई, विनोद कुमार का हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुई, विष्णु गोस्वामी का हत्यारों को अभी तक सजा नहीं हुई। ऐसे पूरी लिस्ट है, हजारों की संख्या में है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आप पार्टियों से ऊपर देश को रखिए, देश बचेंगे तो पार्टी बचेंगे, और ये देश बचेंगे तो ये गांधीवाद, अंबेडकरवाद, राष्ट्रवाद सब चलेंगे। अफगानिस्तान में ना ये राष्ट्रवाद चलता है, ना अंबेडकरवाद चलता है, ना फेरियावाद चलता है, ना समाजवाद चलता है, ना लोहियावाद चलता है, कोई भी नहीं चलता, सब साफ हो गए हैं, जातियों में बांटे रहे सब साफ हो गए। पाकिस्तान में कोई भी वाद नहीं चलता है, ना पटेलवाद चलता है, ना यादववाद चलता है, ना ब्राह्मणवाद चलता है, ना दलितवाद चलता है, ना क्षत्रियवाद चलता है, ना पिछड़ेवाद चलता है, कोई वाद नहीं चलता है। पाकिस्तान से भी साफ होने वाला है, बांग्लादेश में भी साफ हो चुका है, और पूरे दुनिया में साफ हो चुका है, और भारत का 9 राज्यों से भी साफ हो चुका है, कश्मीर से साफ हो चुका है, नागा से साफ हो चुका है, मिजोरम से साफ हो चुका है, मणिपुर से साफ हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश से भी साफ हो चुका है, लद्दाख से साफ हो चुका है, लक्षद्वीप से भी साफ हो चुका है, 9 राज्यों से साफ हो चुका है, 200 जिला का डेमोग्राफी बदल चुका है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुका है, लेकिन अभी भी जातियों के आधार पर लड़ रहे हैं, भाषाओं के आधार पर लड़ रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर लड़ रहे हैं, अभी भी दलित बनाओ सवार के लिए लड़ रहे हैं, तो गांधीवाद और अम्बेडकरवाद के नाम से लड़ रहे हैं, समाजवाद और पेरियरवाद के नाम से लड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद और वामफान के नाम से लड़ रहे हैं। ये वामफान अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में काम कर रहा है क्या? ये समाजवाद अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में काम करता है क्या? ये गांधीवाद अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान में काम करता है क्या? ये लोहियावाद अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में काम करता है क्या? अरे भैया, आप जिसके पीछे घूम रहे हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टियों का आप गुलामी कर रहे हैं, चाटुकर्ता बन रहे हैं, तो ये 30 से 25 साल बाद आपका बच्चों को बचाने के लिए नहीं आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, अफगानिस्तान में कोई नेता किसी को बचाने के लिए नहीं आया, पाकिस्तान में कोई नेता किसी को बचाने के लिए नहीं आया, बांग्लादेश में कोई नेता किसी को बचाने के लिए नहीं आया, कोई पॉलिटिकल पार्टी बचाने के लिए नहीं आएंगे। अफगानिस्तान में जब तालिबानों ने कब्जा किया था, उस तालिबान का हमला के दौरान पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो थे वो लंदन और अमेरिका भाग गए थे। हवाई जहाज पर लटक कौन रहा था? गरीब घर का बच्चा। कि आप भी चाहते हैं कि भारत से हवाई जहाज का पंखे पकड़ पकड़ के लटक लटक के भागे हमारे बाल बच्चा? अभी भी होश ठिकाना नहीं आया आप लोगों का? अभी भी दलित बड़ा सवार, अगला पिछड़वा, बंगाली, मराठी और गुजराती का बात कर रहे हैं? सठे साथम समाज अरेत का अनुसार कानून का मांग कीजिए। अपने बच्चों का भविष्य को लेकर अगर चिंतित हैं, तो 1950 में जो कानून बनाया गया है, 1950 से लेकर और 1950 से पहले, इन सारे कानूनों को बंद करने का मांग कीजिए। पुलिस रिफॉर्म का मांग कीजिए, जुडिशल रिफॉर्म का मांग कीजिए, इलेक्शन रिफॉर्म का मांग कीजिए, फोर कानून का मांग करिए। सिंगापुर में जो कानून चल रहा है, अमेरिका में जो कानून चल रहा है, उत्तर कोरिया में जो कानून चल रहा है, जापान में जो कानून चल रहा है, चाइना में जो कानून चल रहा है, उन कठिन कानूनों को भारत में लागू करने का मांग कीजिए ना। ये कानून आपका बच्चों को बचाएगा, ये कानून आपका जलता हुआ घर को बचा सकता है,
नहीं तो आपका भी घर जलेगा, जैसे बांग्लादेश में जला है, जैसे अफगानिस्तान में जला है, जैसे पाकिस्तान में जला है, जैसे फ्रांस में जल रहा है, जैसे मणिपुर में जल रहा है, जैसे कश्मीर में जला था, जैसे दिल्ली दंगा में जला था, वैसे ही आपका घर जलने वाला है। तो निर्णय आप लीजिए और अपने देश के लिए आवाज़ उठाइए, देश में एक अच्छा कानून का मांग कीजिए और इस देश के लिए आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाइए और अपने आप को हर वक्त सच्चाई के राह पर रखिए। तो दोस्तों, इन नेताओं का चाटुकारिता और दल गुलामी और नेताओं का गुलामी छोड़िए और अपने आप को एक अच्छा भारतीय नागरिक बनाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो को कहीं से भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ 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 दोस्तों के साथ शेयर करना, और किसी आईपीएस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर को जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना, किसी वकील को जज को किसी सांसद विधायक को जानते हैं तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना, किसी धर्म गुरुओं को किसी धर्म लीडर को उसको जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सियाराम।